गुजरात के सूरत से आई ये तस्वीर डराने वाली है, जहां ट्रेन को पलटाने की भयावह कोशिश की गई। पटरी को जोड़ने वाली फिश प्लेट खुली हुई है, प्लेट को कसने वाले नट बोल्ट दूसरी ओर पड़े हैं। सोचिए, अगर फिश प्लेट के खुले होने की जानकारी नहीं मिलती और यहां से कोई ट्रेन गुजर जाती तो क्या होता। डराने वाली ये तस्वीर सूरत के किम और कोसाम्बा रेलवे स्टेशन के बीच की है, जहां रात के अंधेरे में पटरी की फिश प्लेट को खोलकर दूसरी ओर रख दिया गया, नट बोल्ट या कहिए चाबियां निकालकर फेंक दी गई। अभी हम है किम और कोसाम्बा रेलवे स्टेशन के बीच में। यहां दृश्य में जो दिखाई दे रहा है, ये दो ट्रैक के बीच में जो जॉइंट होता है उसको सपोर्ट देने के लिए एक जॉगल फिशर प्लेट इसको बोला जाता है, इसको किसी ने ये ट्रेन को पलटाने के प्रयास में इसको किसी ने खोल दिया था। और ये जो एंकल होते हैं जो ट्रैक को पकड़ के रखते हैं, जो ये स्लीपर्स हैं इनको पकड़ने के लिए ट्रैक और इनके बीच में ये लगाए जाते हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर के एरिया में 71 जितने जो ये एंकल है वो भी खोल दिए गए थे। जो जोगल फिशर प्लेट थी वो भी खोल के डाउन ट्रैक से अप ट्रैक के जो रेलवे ट्रैक है उनके ऊपर रख दी गई थी और ट्रेन को पलटाने का प्रयास जो है किया गया था। रेलवे को घटना की जानकारी सुबह 5:27 पर मिली, जिसके तुरंत बाद ट्रैक पर ट्रेन की आवाजाही रोक दी गई। जीआरपी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और सूरत ग्राम्य पुलिस सब मिलकर अलग अलग टीम बनाकर इसको डिटेक्ट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और एलसीबी, एसओजी और बाकी सब फोर्स, पूरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस सब लगे हुए हैं। सीनियर ऑफिसर्स भी पहुंच गए हैं, पहुंच रहे और इसकी कार्यवाही कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उनको पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त कार्यवाही उनके सामने की जाएगी। अब एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर यूपी के रामपुर की है। ट्रेन ट्रैक पर लोहे का बड़ा खंभा रखा हुआ है, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि ये खंभा ट्रेन ट्रैक पर यूं ही नहीं आया, बल्कि इसे साजिश के तहत रेल ट्रैक पर लाया गया। साजिश भी ऐसी वैसी नहीं, नैनी जन शताब्दी ट्रेन को पटरी से उतारने की थी। ट्रेन को डिरेल कर मौत का खौफनाक मंजर तैयार करना था। वो तो गनीमत रही, नैनी जन शताब्दी ट्रेन जैसे ही रामपुर के बिलासपुर इलाके में उत्तराखंड से सटी कॉलोनी के पास पहुंची, लोको पायलट की नजर साजिश के खंभे पर पड़ गई। लोको पायलट ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाई और इस तरह बड़ा हादसा होने से टल गया। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हम लोग बड़ी गहराई से इसकी छानबीन कर रहे हैं। इस संबंध में सीनियर सेक्शन ऑफिसर जो रुद्रपुर है उनकी तरफ से तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर रामपुर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी सब तरफ से हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जल्दी हम इसका पता लगा रहे हैं। रेल को पलटाने की साजिश के जितने भी मामले सामने आए हैं उन सभी मामलों में जांच जारी है। साजिश का कोई चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.